हेलो गाइस, मैं अर्जुन। मेरे चैनल कुशांस ब्लॉग एंड गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम कलेंचो प्लांट की केयरिंग और इसकी रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं कलेंचो फ्लावर की रिपोर्टिंग करने। सबसे पहले हम 5 से 6 इंच के गमले का प्रयोग करेंगे और गमले के ड्रॉनेज होल में डालने के लिए मैं एक ख़राब डीए का प्रयोग कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी कंकड़ का भी या बड़े पत्थर का प्रयोग कर सकते हैं ताकि ड्रॉनेज होल से पानी आसानी से बाहर चले जाए। मैं डीए को तोड़कर डाल रहा हूँ, देख सकते हो आप, ताकि पानी ड्रॉनेज होल से आसानी से बाहर चले जाए। नहीं तो फिर उस जगह ड्रॉनेज होल पर मिट्टी जाम हो जाती है, जो गार्डन सॉइल है वह जाम हो जाती है, तो मिट्टी आसानी से जाती है, हमेशा गीला ही रहते हैं। गार्डन सॉइल में आप 50% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 30% काउडन कंपोस्ट और 20% राइस हस्क लिया है, और साथ में फंगीसाइड का भी प्रयोग कर लेना है। मैंने फंगीसाइड सॉइल मिक्सिंग में नहीं डाला था, तो अभी डाल रहा हूँ। आप सॉइल मिक्सिंग में डाल सकते हो फंगीसाइड। फंगीसाइड को अच्छे तरीके से मिलाएं। क्या है कि ठंड और बरसात के दिनों में प्लांट में फंगस लगने के बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं। हम पॉलीथीन को फाड़ लेते हैं ताकि प्लांट डैमेज ना हो, आसानी से बाहर निकल जाए। हम उसके बाद प्लांट को आराम से भिगा लेंगे ताकि उसमें जो मिट्टी है वह बाहर निकल जाए। भिगा कर ही मिट्टी को निकालना है क्योंकि वह नर्सरी में चिपचिपी मिट्टी में लगा होता है। उसको हम धो के आसानी से निकाल लेंगे ताकि उसकी रूट से वो डैमेज ना हो। अगर आप सूखे ही निकालेंगे तो वह जड़े डैमेज हो सकते हैं। आप ऐसे ही किसी बड़े से बर्तन में डुबा देंगे ताकि वो आसानी से मिट्टी निकल जाए और जड़े डैमेज ना हो। पहले गमले को मैं भरा हूँ, ऐसे आधा ही मिट्टी से भर लेना है, उसमें पानी डाल देना है जिस प्रकार से मैं डाला हूँ, देख सकते हो। और आराम से ही निकालना है मिट्टी को, मैं आराम से निकाल रहा हूँ ताकि जड़े डैमेज ना हो। आपको भी इसी प्रकार से निकालना है। कभी भी कोई भी प्लांट हो, आप सीधे नर्सरी से लाकर उसे वैसे ही ना लगाएं जिस मिट्टी पर नर्सरी वाले लगाए रहते हैं, चाहे वह राइस हस्क क्यों ना हो, चाहे वह चिपचिपी मिट्टी क्यों ना हो। हमेशा उसके जड़ को थोड़ा धो लेना चाहिए ताकि उसकी जड़ें आसानी से आगे बढ़ सके। मैं धो रहा हूँ क्योंकि पूरी मिट्टी चिपचिपी मिट्टी पूरी चिपक गई है जड़े से, जड़े डैमेज ना हो। थोड़ा तो मिट्टी रहने देना है ताकि प्लांट को लेट ना लगे और जड़े डेवलपमेंट करने के लिए। तो अब हम इसमें ऊपर गमले को अब भर लेते हैं मिट्टी से। मैंने एक और कटिंग्स तोड़ ली है जिसको मैं लगाऊंगा, इसी गमले पर लगाऊंगा बाद में। अब मिट्टी पूरे से भर लेंगे, गमले को पूरे मिट्टी से भर देना है। कभी भी प्लांट को ऊपर में नहीं लगाना, आधा ही लगाना है। आधा लगाने के बाद उसको भरना है पूरे गमले को मिट्टी से। हमेशा सीधा ही लगाना है प्लांट, नहीं तो आप एक बार लगा लिए तो बाद में उसे आप इधर उधर ना करें, नहीं तो फिर उससे जड़ें डैमेज होती हैं। मेरा थोड़ा कम पड़ गया, मैं और मिट्टी लाके इसमें डालूंगा। मिट्टी पूरा डलने के बाद इसमें पानी से पूरा भर देना है इसको, आज पूरा पानी से भर देना। और आपको ध्यान रखना है कि डेली इसमें वाटरिंग नहीं करना है, जब भी मिट्टी ड्राई हो तभी वाटरिंग करना है। यह एक इंडोर प्लांट भी है, कलेंचो, खूबसूरत इंडोर प्लांट है। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, अब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।